और किशनगंज में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के द्वारा शहर के दिगंबर जैन भवन में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रमंडलीय प्रभारी अनिल कुमार शाह ने प्रेस वार्ता कर नीतीश सरकार पर जातीय जनगणना में वैश्य समाज को कम प्रतिशत दिखाने का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रमंडलीय प्रभारी अनिल कुमार शाह ने बिहार सरकार द्वारा किए गए जातीय जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में वैश्य की आबादी लगभग 30% है, लेकिन उसे विभिन्न जातियों में बताकर कम प्रतिशत दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि जब देश की आबादी बढ़ी तो वैश्य समुदाय की आबादी कैसे घट गई, ये विचारणीय प्रश्न है। उनके हैं जो हमारा है, अब उस दल के हैं। अगर कोई दल हमारे दल वोटर नहीं है लाएगा जो हमारा सही। वैश्य समाज का युवा इतने दिन से सोए हुए थे, आज वैश्य समाज यहाँ गठन हुआ जिसे मुझे युवा अध्यक्ष रूप में लाया गया है। वैश्य समाज लगातार सभी सामाजिक कार्य में उनका हिस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, फिर भी आज हम लोग सामाजिक क्षेत्र में हो या प्रशासनिक क्षेत्र में हो या हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में बहुत पीछे हो गए हैं। आज पहली बार ये हमारे प्रमंडल प्रभारी यहाँ आए हैं, स्वागत करते हैं। वैश्य समाज सोया हुआ था, जब तक आदमी अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेगा, अपनी मांगे सड़क पर नहीं लाएगा, तब तक कोई मानने वाला नहीं। ये सरकार ऐसी जातियों का जो इनके समर्थक है या इनके संभावित है जो इस सरकार को समर्थन दे सकते, ऐसे उपजातियों का, ऐसे जातियों की संख्या को बढ़ा चढ़ा करके दिखा करके हमें डराने का काम कर रहा, हम बस्तियों को डराने का काम कर रहा है। और हमारा शोषण पहले से हो रहा है, जो आपसे छिपा नहीं है। आज जितनी हत्याएं सीमांचल में हुई है, बिहार में हुई है, आप आंकड़ा उठा कर देख ले, बस्तियों की हुई है। चंदा हम देते हैं, रंगदारी हम देते हैं, टैक्स हम देते हैं, और हमारा हक हमें हमसे छीन लिया जाता है। उसी बात की वैसे महासम्मेलन के बैठक हुआ है, तो दिल्ली अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में हम लोग का मुख्य मांग वही है जो हमारी जातियों को, जो वैसे जातियों को जो तोड़ मरोड़ को दिखाया गया, जो संख्या कम दिखाई गई है वो वास्तविक दिखाई जाए, यही मांग है हमारा। सर बाकी लोग तो मनवा लेते हैं, आप कैसे मनवाएंगे सरकार से? जी बाकी लोग तो मनवा लेते हैं, आप कैसे मनवाएंगे सर? क्योंकि हम लोग जिम्मेवार लोग हैं ना, पूरे देश में वैश्यों का जो योगदान है, आप खुद ही आप लोग पत्रकार हैं और मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप देख लीजिए।